नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा में युवक युवती ने कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर विवाह किया। इसके साथ ही युवक युवती ने मानवता का परिचय देते हुए शादी में होने वाले अन्य खर्चों को बचाकर रोगी कल्याण समिति छिंदवाड़ा को 11,000 रुपये की सहयोग राशि दी, जो कि कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही भीड़भाड़ से बचकर और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए युवक युवतियों ने सादगी से कलेक्टरेट कार्यालय में विवाह किया, जिसकी सराहना एसडीएम अतुल सिंह द्वारा भी की गई। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। ये आज एक यहाँ के युवा ने अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत ये भीड़ भाड़ में विवाह ना करके आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय के समक्ष दोनों वर और वधू यहाँ अपने दो परिजनों के साथ उपस्थित हुए। इनने यहाँ पे माल्यार्पण किया, एक दूसरे को जयमाल किया और यहीं पे विवाह किया। और ये जो बरमैया परिवार के दो लोग हैं, इनने रोगी कल्याण समिति में दूल्हा दुल्हन ने अन्य खर्च से बचत करते हुए 11,000 रुपये कोविड मरीजों के इलाज हेतु रोगी कल्याण समिति जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को उपलब्ध कराए हैं। ऐसे युवा अगर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी महामारी और किसी भी संक्रमण से बचाव में आम जनता की मदद कर सकेंगे, इलाज कर सकेंगे। साथ ही एक अनोखा उदाहरण है कि भीड़ भाड़ एकत्रित ना करके सादगी तरीके से ऐसा इनने विवाह संपन्न किया है। जिला प्रशासन की ओर से नव दंपत्ति को उनके अग्रिम जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।